जी से पूछती हूँ। गौरव भाटिया जी, आपने सरप्राइज किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है कि महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट भी ले रही है। मुद्दा क्या है, होना क्या है? अब तो सस्पेंस कम कर दीजिए, पब्लिक को बता दीजिए क्या होने वाला है। लेकिन नाविका जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जो भी निर्णय होगा देश हित में होगा और देश सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ेगा। आज का जो विशेष सत्र था, मैं समझता हूं कि ये एक स्वर्णिम पल था हमारे लोकतंत्र के लिए। और इसकी वजह यह है कि जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भावुक होके भाषण दिया, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को भी याद किया, जो उन्होंने स्पीच दी थी संसद के पटल पर, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद किया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो स्वर्णिम शब्द कहे थे, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, पर ये देश आगे जाना चाहिए, वो भी एक स्वर्णिम पल था। और किस तरह से देखिए, राहुल गांधी आज गलत साबित हो गए। नाविका जी क्यों, आपको मालूम है, खड़गे जी के मुंह से निकल आया, उन्होंने कहा कि हमने डेमोक्रेसी को टिका रखा है, डेमोक्रेसी जीवित है। अगर डेमोक्रेसी जीवित है तो ये राहुल गांधी बार बार विदेशी धरती पर जाकर, नाविका जी ये क्यों कहते हैं भारत का लोकतंत्र मर गया है? ये तो खड़गे जी का जवाब था राहुल गांधी को। दूसरी बात, मैं समझता हूं जिस तरह से हर प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे देश के लिए किया है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, इंदिरा गांधी हो और नरेंद्र मोदी हो, ये दिखाता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के किस तरह से गागर में सागर भर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और जब गागर में सागर भर रहे थे तो आग लगी हुई थी विपक्षी हृदयों में, वो लोग जल रहे थे, पानी की आवश्यकता उन्हें थी। दूसरी बात, आपने जो मुझसे पूछी कि क्या होगा, मैं इतना ही कहूंगा, देखिए एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पालन करके ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए ओवैसी जी से, संविधान की दुहाई देते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं आने देते? नाविका बिल्कुल जी, संविधान की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या आरक्षण देंगे एससी एसटी ओबीसी को? और बात करते हैं ओवैसी जी, संसद के पटल पर कितने मुसलमान, अरे सचर कमिटी रिपोर्ट आई, आप तो यूपीए का हिस्सा थे ओवैसी जी, अगर मुसलमानों से इतना प्यार था तो सचर कमिटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी? रंगनाथन मिश्रा की रिपोर्ट जवाब आई, लेते हैं। क्यों नहीं वारिस लागू पठान करी? जी हमारे अरे साथ बैठे मुसलमान हुए हो, हैं। चाहे वारिस हिंदू पठान जी, मुसलमान रिप्रेजेंटेशन अगर चाहिए तो पहले क्यों नहीं की? गौरव भाटिया जी ने आपसे सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पिछले एक महीने से चल रहा है कि एक स्पेशल सेशन संसद का आ रहा है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। अब उस सेशन के अंदर ना क्वेश्चन आवर होगा ना जीरो आवर होगा, क्या होगा किसी को पता नहीं। मगर आपने डिबेट चलाया कि थ्रू सोर्सेस आपको ये पता चला है कि वन नेशन वन पोल भी ला सकते हैं, उसमें कमिटी का गठन हो गया है, एक्स प्रेसिडेंट के अंडर में आ गया जिसमें हरीश साल्वे साहब भी है, वो 2 दिन चला, उसके 2 दिन के बाद आया कि हो सकता है सोर्सेस से आपको पता चला कि आप सदन में बात होगी ये इसकी, वन नेशन वन पोल हो गया, इंडिया से भारत करेंगे, उसके ऊपर डिबेट किए, सूत्रों से पता चला फिर भी नहीं आया कुछ, फिर यूनिफॉर्म चेंज करने वाली बात आई। अब आज ये पता चल रहा है कि 40 से 42 घंटे में मोदी जी एक बहुत बड़ा कोई धमाका करने वाले हैं, बहुत बड़ा कोई सस्पेंस खुलने वाला है। अब पता चल रहा है कि सब जाने वाले चल के संविधान लेकर जूनी पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट में सारे सांसद को लेके जाएंगे। अरे मोदी जी, सबसे पहले आप संविधान के रक्षक तो बनिए, जो संविधान हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है उसकी तो आप रात दिन धज्जी उड़ाते हो। उस संविधान को तो बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। अब बात नंबर दो, नविका जी, आज मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर 50 मिनट का भाषण दिया अपना, सब चीज उन्होंने गिरा दी, 70 साल का इतिहास बता दिया, एक चाय वाला प्लेटफॉर्म से उतर के आज यहां पार्लियामेंट तक पहुंच गया, सारे डायलॉग मार दिए अमिताभ बच्चन की दीवार के जो थे कि एक कुली किस तरह का इतना बड़ा बिल्डर कैसा बन गया, उसकी कॉपी करने लग गए। इतने बड़े भाषण में 4 दिन पहले राजौरी के अंदर हमारे जवान शहीद कर दिए गए, 3 जवानों को हमारे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मार दिया, शहीद हो गए।
उनके लिए एक अल्फाज नहीं निकला मोदी जी के मुंह से। 10 सेकंड के अंदर कंडेमनेशन नहीं, 10 सेकंड में श्रद्धांजलि नहीं, कुछ नहीं। पुलवामा के वक्त तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर दी थी, ये कट डालेंगे। चलिए वारिस पठान, मोदी जी ने वारिस पठान जी हो सकता है इस बात का भी जवाब हो, लेकिन लेकिन वारिस पठान जी जब ऑपरेशन चल रहा हो तो कई बार जो नहीं नहीं जब ऑपरेशन चल रहा होता है तो कई बार ऑपरेशनल इश्यूज पर नहीं कहा जाता, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आपको हर चीज को राजनीतिक रंग देना